नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। आज मेरे साथ हैं गिरजा सतीश, नवभारत जागृति केंद्र के प्रेसिडेंट। आइए जानते हैं इनसे एनजीओ के बारे में, ये कैसे काम करता है, क्योंकि लोगों को बहुत इसको लेकर गलत फहमियाँ हैं। लोग कहते हैं माल महाराज का मिर्जा खेले होली, तो इस तरह की बातें चलती है। जो हम इनसे जानेंगे, ये हमें बताएंगे अपना पक्ष, क्योंकि नवभारत जागृति केंद्र जो है वो बिहार झारखंड का सबसे अच्छा एनजीओ में से है और आज तक इस पर कभी कोई दाग लगा नहीं है। तो इनसे हम जानेंगे इनकी बातें। सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप बताइए कि कैसे ये एनजीओ शुरू हुआ था? हम लोग शुरू से जब पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे BITCMBA में, उसी समय से हम लोग की इच्छा थी कि सामाजिक काम करें, समाज परिवर्तन का काम करें। तो उसके लिए हम लोग को कोई रास्ता नहीं मिला था, कहाँ जाएंगे। जो एग्ज़ाम हम लोग को ख़त्म हुआ, वो चार साथी थे जो कि जयप्रकाश जी से मिले जाकर, उसमें मुसहरी, मुजफ्फरपुर मुसहरी एक जगह है, वहाँ पर गाँव गाँव में जब घूम रहे थे तो उनके पास हम लोग गए और जाके उनसे हमने बताया कि हम लोग एक सामाजिक काम करना चाह रहे हैं। तो हम बताइए कैसे कर सकते हैं, हम लोग को मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए पहले कोई आपको आश्रम शुरू करना चाहिए, संस्था शुरू करना चाहिए, क्योंकि परिवार से तो आप लोग का ज़्यादा समय रहेगा नहीं, कहीं आपका ठौर ठिकाना तो होना चाहिए रहने के लिए, जहाँ से आप काम कर पाएंगे। तो वहीं हम लोग भूदान की ओर से बहरा गाँव जो है चौपारण ब्लॉक में, वहाँ भूदान की ज़मीन थी, वो ज़मीन 22 एकड़ ज़मीन उन्होंने दिलवाया भूदान कमेटी से, और तब से हम लोग वहाँ काम करना शुरू किए। इनिशियली उन्होंने मदद भी की, एवार्ड एक संस्था है, अभी भी है, पहले भी थी, जिसके वह अध्यक्ष थे, उसे उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी किया। हम लोग उसी से वहाँ काम हम लोग शुरू किए थे। तो चार ऊर्जावान युवा JP के कहने पर आप लोगों ने NGO शुरू किया। आपको लगता है कि NGO से समाज को बदला जा सकता है? नहीं, ज़रूर बदला जा सकता है, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो NGO से बदला जा सकता है समाज को, क्योंकि NGO जो है वो एक, उनका एक सोच होता है, एक विचार होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उस आधार पर लोग काम करते हैं और ग्रास रूट में ही रहकर काम करते हैं, इसलिए उनसे बदलाव ज़रूर हो सकता है। और हमने जो काम किया है उसे काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, जिन इलाकों में हमने काम किया है उन इलाकों में काफ़ी काम हुआ था। शुरू में आपको बता रहे हैं कि महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो वो हमने लोक समिति के एक संगठन बनाया, उसके द्वारा महिलाओं को बाहर निकाला, महिलाएं बैठक में आने लगी, जुलूस प्रदर्शन में शामिल होने लगी, पटना जा कर के वहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री वगैरह से महिलाएं मिली हैं, तो उनसे उनका बहुत आत्मविश्वास जागृत हुआ। हम लोगों ने एक लोक शक्ति दिवस मनाया था, जिसमें था कि सारे सरकारी अधिकारियों के पास जनता जाती थी एक जुलूस के रूप में, और जैसे थाना में जाते थे, थाना प्रभारी को बुलाते थे, बोलते थे कि अब अपनी समस्याओं को फेस टू फेस बात कीजिए, BDO के पास जाते थे, CO के पास जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे। हम लोगों ने नारा दिया था कि सरकारी अस्पताल में फीस क्यों, दाखिल खारिज में घूस क्यों, इस तरह का नारा हमने दिया था। तो उससे बहुत महिलाओं में भी आत्मविश्वास जागृत हुआ, लोगों में भी आत्मविश्वास जागृत हुआ, बदलाव तो काफ़ी हुआ। फिर हम लोगों ने रचनात्मक काम किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम हमने किया, फिर झारखंड में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सिंचाई की व्यवस्था की ज़रूरत है, सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने विशेष तौर से ध्यान दिया। तो उसके लिए बहुत जो किसान पहले केवल बरसात पर निर्भर थे, जो केवल धान, ट्रेडिशनल धान लगाते थे, परंपरागत धान लगाते थे, वो उन्नत किस्म का धान लगाने लगे, रबी की भी खेती करने लगे थे, गेहूँ वगैरह, आलू गेहूँ ये सब खेती करने लगे, तो उनकी आमदनी में वृद्धि हुई काफ़ी। तो जिन इलाकों में काम किए हैं हम लोग, उन इलाकों में तो काफ़ी मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ। JP ने आपको राह दिखाई, आपने NGO खोला, तो आपको लगता है कि जो राह उन्होंने दिखाई थी वो राह आप समाज को दिखा पाए, आप सफल हुए हैं कहीं ना कहीं जाकर इस NGO को खोलकर? देखिए, समाज में तो बहुत तरह की बाधाएं रहती हैं, बहुत तरह के कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक JP ने शांतिमय तरीके से काम करने के लिए बताया था, और उस रास्ते पर हम लोग कर रहे हैं काम। जो सांप्रदायिक सद्भावना का उन्होंने बताया कि सभी धर्म बराबर होता है, उस रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं। छुआछूत का विरोध उन्होंने बताया था, जातिवाद का विरोध उन्होंने बताया था, उस रास्ते पर हम लोग, देखिए शुरू में आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग बैठक करते थे तो जो ऊंची जाति के लोग हैं अलग बैठते थे, और कुछ जो दलित लोग हैं वो अलग बैठते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने खाना साथ खिलाना शुरू किया, लोगों को अलग रहकर खाते, लेकिन धीरे धीरे वो साथ खाना शुरू किए उनके, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो गांधी और JP का जो विचार है, जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर ही हम लोगों ने काम किया है आज तक।
और काफ़ी कुछ बदलाव तो दिखा है कि हुआ है। बहुत लोग जानना चाहते हैं एनजीओ के बारे में, उन लोगों का सवाल जो है वो मैं हम आपसे पूछते हैं ताकि वो लोगों को क्लियर भी हो जाए। देश में करीब 34 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन 4 लाख ही ऐसे हैं जो अपना पूरा डाटा को अप टू डेट करके रखते हैं, वो आपको भी जानकारी होगा। बहुत उसमें विवाद भी होता है, तो आखिर ये विवाद के पीछे की वजह क्या है? क्या एनजीओ जितने काम कर रहे हैं वो इस फंड का दुरुपयोग करते हैं? देखिए, एनजीओ तो कोई भी बना सकता है, मतलब उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसमें तो हर लोग बना लेते हैं। सरकारी अधिकारी भी कोई एनजीओ बना लिए, कोई व्यवसायी भी एनजीओ बना लिए, कोई डॉक्टर है वो भी एनजीओ बना लिए। लेकिन एनजीओ जो सही तरीके से जो लोग बनाते हैं और सही तरीके से चलाते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है और काम वो लोग अच्छी तरह से करते हैं। और हम लोग आपको बता रहे हैं कि एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोग किया था कि छोटी संस्थाओं को मदद करना, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें होती है, तो उनको हम लोगों ने जो एक्टिविस्ट लोग थे गांव में, जो कुछ समाज सेवा करना चाहते थे, जो कोई आंदोलन मूवमेंट में जुड़े हुए थे, जो लोग जेपी मूवमेंट वगैरह में, वो लोग से जब निकले तो बोले कि हम लोग कोई रचनात्मक काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई संस्था बना ली। शुरू में उनको अकाउंटिंग का दिक्कत होता है, फंडिंग का दिक्कत होता है, इनिशियली हम लोगों ने कुछ उनको मदद किया, स्कॉलरशिप टाइप का दिया हम लोग, उसके द्वारा वो बहुत खड़े हो गए। आज कई एनजीओ हम मुझे लग रहा है कि कम से कम 200 से ज़्यादा एनजीओ को हम लोगों ने प्रमोट किया आज तक, उसमें से 100 से ज़्यादा एनजीओ ऐसे होंगे जो अपने पैर पर खड़ा होकर के बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर विचार कुछ है और अगर समाज में कोई काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उनको एनजीओ खोलकर काम करना चाहिए, और उससे काफ़ी समाज को फ़ायदा मिलेगा और लोगों से सहयोग भी मिलता है। आमतौर से जो एनजीओ खोलते हैं उनमें विरोध होता है, लेकिन जो अच्छे एनजीओ हैं उनका बहुत जनता बहुत सहयोग करती है। आपके हिसाब से एनजीओ के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन एनजीओ की विश्वसनीयता इतनी घटी क्यों है आज के समय में? देखिए, एनजीओ की जितनी विश्वसनीयता है उसमें कुछ दुष्प्रचार भी बहुत हुआ है जी। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत समाज में रहते हैं, सरकारी अधिकारी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपनी कमियों को एनजीओ के ऊपर थोप देते हैं। तो ये देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनती हैं जो योजनाएं इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, मतलब लागू नहीं हो सकती हैं। अब ऐसी योजनाओं एनजीओ अगर चलाते हैं, वो योजनाएँ असफल हो जाती हैं, योजनाएँ दोष जाता है कि एनजीओ ने काम नहीं किया, पैसा खा गए, ये किए वो किए, तो ये मतलब कुछ तो दुष्प्रचार के कारण भी, कुछ गलत फहमियों के कारण भी हुआ है। लेकिन ये मानते हैं कि सारे एनजीओ अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनका अपना एक मोटिव होता है अलग तरह का, उन्होंने शुरू किया है तो वो मतलब उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकांश बहुत सारे एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एनजीओ कम पैसे में, कम मैन पावर में, कम खर्चे में बहुत अच्छा काम कर सकता है, ये एनजीओ की बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसा क्या रहा कि आप लोग एनबीजेके को इतनी ऊंचाई पर ले गए और आज बिहार झारखंड का सबसे अच्छे एनजीओ में ये गिना जाता है, इसके पीछे की वजह क्या रही? उसका कारण यह है कि हमने जो भी काम किया निष्ठा से किया है, और जो फंडिंग एजेंसी जो पैसा हम लोग को देते हैं उनके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारी है। हम सारा कोई भी अकाउंट हमारा देखना चाहे, कोई माइंड पावर देखना चाहे, हमारा सारा, जैसे किसी को हम जो सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं वो एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, कोई अलग से कैश के रूप में नहीं देते हैं। हम जो भी खर्च करते हैं ज़्यादातर मतलब खर्चा हम पार्टी को पेमेंट करते हैं थ्रू बैंक, हम अपने कैश बहुत कम देते हैं, मतलब 10-15 हज़ार तक, मतलब जो बहुत वायबल नहीं हो पाता है वैसा ही हम लोग कैश में खर्च करते हैं। तो हमारी फाइनेंशियली पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कभी भी आए, कोई फंडिंग एजेंसी आता है, हमेशा हमारा मूल्यांकन होता है, चाहे इंग्लैंड में का फंडिंग एजेंसी हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, वो अपने मॉनिटर को भेजते हैं देखने के लिए, भेजते हैं अकाउंट्स को, फाइनेंस को देखते हैं, अगर हमारा सिस्टम को देखते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम हमारा, हमने जो फाइनेंशियल सिस्टम बनाया है, मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, एचआर पॉलिसी जो बनाया है, वो पॉलिसी दे करके सभी लोग कहते हैं कि नहीं आपका बहुत अच्छा है, और उससे मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो इस पर लोगों का भरोसा जमता है। बहुत सारे एनजीओ आप भी कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन समाज में जब ज़रूरत पड़ता है तो कई एनजीओ सामने नहीं आते हैं। जैसे कोरोना काल में ही देख लीजिए, अभी हम एक मध्य प्रदेश का डाटा देख रहे थे,
तो देखे कि अच्छा खासा एनजीओ वहाँ पे है, लेकिन काम कर रहा है ग्राउंड पे कोरोना के समय में तो मुश्किल से 1.5 से 2 हज़ार, वो भी जेन्युइनली कितना कर रहा है वो नहीं मालूम, वो डेटा तो गवर्नमेंट का है। तो जब ज़रूरत पड़ता है तो वो सामने नहीं आते, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उसके पीछे वजह ये है कि एक तो फंडिंग का सवाल है कि कोई एनजीओ को पैसा अगर फंडिंग मिल जाए तो वो करना तो चाहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोरोना के समय में हमने देखा कि जब आम जनता चाहती है लोगों को मदद करना तो एनजीओ तो ज़रूर चाहेगा, लेकिन अलग अलग कुछ समस्याएं रहती है। मुझे लगता है कि ज़्यादा समस्या फंडिंग का, बहुत लोगों को फंडिंग नहीं मिल पाया तो नहीं कर पाए, हम लोग को फंडिंग मिला काफ़ी। हम ये बता रहे हैं कि हमने राशन से लेकर के प्रवासी मजदूरों को आज हम लोग आलू का बीज वगैरह बांट रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं जो काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं उनको हम लोग बीज वगैरह बांट रहे हैं। तो एक भरोसा के कारण लोगों ने पैसा दिया हम लोग को, हम तो कह रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ हमने इस पर खर्च किया है, जो कोरोना के कारण जो भी लोग प्रभावित किए हैं हुए हैं उनको हम लोगों ने 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है। वो तभी हमने दिया है जबकि वो कहीं से मिला है, अगर नहीं मिलता तो शायद हम ही नहीं कर पाते। नहीं, आप फंडिंग की बात करते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब फॉरेन फंडिंग 10,000 करोड़ के अधिक था भारत में, जितने एनजीओस थे उनको मिला के बाद में उस पर रोक लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया 20 मार्च को जिसमें वो सरकार को बोला कि आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। फंड तो मिलता ही रहा है लेकिन काम करना चाहेंगे एनजीओ तभी तो हो पाएगा, काम अगर नहीं करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा? नहीं, कुछ लोग तो नहीं काम करना चाहते हैं तो उसको तो, लेकिन देखिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की संस्थाएं होती है, हर तरह का संगठन होता है, तो कुछ तो ऐसा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एनजीओ तो काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ हैं जो नहीं काम कर रहे हैं इंटेंशनली, लेकिन बाकी लोग जो नहीं काम कर रहे हैं उनकी कोई समस्याएँ हैं। सरकार का जो डेटा है वो तो कहता है कि ज़्यादातर एनजीओ काम नहीं कर रहा है, सरकार का जो हम लोग देखते हैं डाटा से तो हम बिल्कुल सहमत नहीं। सरकार का डाटा जो होता है बहुत फिक्टिशियस होता है, बहुत अनरियलिस्टिक होता है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट का बैठक हुआ था जयपुर में, आपको याद होगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग जुटे थे। उनका कहना था कि जितने एनजीओज हैं इंडिया में जो काम नहीं करते या जो है टोटल मिला के जितना फंड हम उनको देते हैं उससे बेटर अगर हम बांट दें तो लोगों की गरीबी मिट जाएगी। सरकार तो बांट ही रही है, गरीबी तो मिट नहीं रही है, लेकिन एनजीओ जो काम करता है ना, हम कह रहे हैं कि हम ग्रास रूट में काम करते हैं उनका डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए करते हैं, राहत के लिए नहीं करते हैं। बांटने से तो 2 दिन भूखा आदमी रहेगा तो 2 दिन खाना खाकर ख़त्म कर देगा, अगर उसको खेती में सिंचाई का प्रबंध हो जाएगा, खेती में बीज देंगे हम, उत्पादन करेगा तो वो तो हमेशा के लिए होगा उसका, हम डेवलपमेंट का काम उस पैसे को आप स्किल बढ़ाने का काम कर रहे हैं उससे, स्किल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको संसाधन ऐसा संसाधन मुहैया करा रहे हैं जिससे कि अस्थायी तौर से उनको रोजगार मिले, ये काम हम कर रहे हैं। आप हमने जो 30 साल पहले 40 साल पहले जो गांव में कुआं बनाया था वो कुआं आज भी आपको दिखेगा कि उसका उपयोग गाँव के लोग कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं, सिंचाई के लिए कर रहे हैं। और हम अगर किसी को दे देंगे आज जा करके 1 साल के लिए कि चलो 1 साल खाना खा लो, तो उसके बाद तो फिर वो और मिसयूज करेगा। तो हमारा मानना ये है कि उसको अस्थाई, उसको अपने पैर पर खड़ा करना है किसी व्यक्ति को, ना कि राहत दे करके हम उनको एक फिर आगे भी एक बिगर बना दें उनको कि आगे भी हम पर आश्रित हो जाए। और सारे लोग सरकार पर आश्रित हो गए हैं, और गाँव में जाइए तो बोलेंगे सरकार ने ये नहीं दिया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। सरकार कितना कर सकती है? सरकार के हाथ में इतना नहीं हो सकता है, सरकार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है, राहत का कुछ कर सकती है, थोड़ा मोड़ा रिलीफ दे सकती है, लेकिन अगर डेवलपमेंट करना होगा तो गांव के लोग खुद करेंगे, खुद उनका उनका जो ये विश्वास को जागृत करना होगा, उनको संसाधन मुहैया कराना होगा जिससे वो खुद अपना विकास कर पाए। आपने हजारीबाग से शुरुआत की है इस एनजीओ की, तो हजारीबाग के लोगों को कितना बेनिफिट हुआ इससे? यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, अपने लोगों का स्किल बढ़ाया, बहुत मदद किया लोगों का, काउंसलिंग भी शायद किया आप लोगों ने, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ तो वो भी एक अपने टीम बनाया हुआ था, बहुत सारे काम किए, वो क्या क्या काम है जो लोगों को यहाँ बेनिफिट मिला बहुत ज़्यादा? देखिए, एक तो कृषि विकास का हमने किया, उसमें सिंचाई वगैरह काम किया, ये ज़्यादातर गाँव के किसान लोग हैं उनको हमने दिया ये चीज़, जो मजदूर लोग बहुत लोगों को भूदान से ज़मीन मिली थी लेकिन जोतावाद नहीं कर पा रहे थे, टाँड ज़मीन थी, उसको हम लोगों ने जब संसाधन मुहैया किया तो वो एक मजदूर से किसान बन गए, खेती का आज भी वो खेती कर रहे हैं।
तो एक तो है कि किस खेती विकास का हमने किया, दूसरा है कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश आई अस्पताल हमारा 3 हॉस्पिटल चल रहा है, हजारीबाग में एक है, एक दुमका में है, एक गया में है। हमारा तीनों हॉस्पिटल से हर साल लगभग 15,000 सर्जरी करते हैं मोतियाबिंद का। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है सर्जरी का, इसे हम ज़्यादा सर्जरी हम लोग मोर देन 60% सर्जरी जो है वो निःशुल्क करते हैं, एक पैसा उनसे लेते नहीं हैं, बल्कि उनको हम रहते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, उनको अपने घर से लाते हैं, उनके ब्लॉक से लाते हैं, उनको वहाँ तक फिर पहुँचा देते हैं। मोर देन 60% लोगों को ऐसा करते हैं। तो एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र चलाया था उसके द्वारा हुआ, तो एक स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हम जो विद्यालय चला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चला रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण है कि बड़े शहरों में जो बड़े जो कॉरपोरेट जो चलाते हैं स्कूल चलाते हैं, जो जिस तरह का शिक्षा देते हैं, उस तरह की शिक्षा गाँव के लोगों को भी मिलना चाहिए, वो अवसर मिलना चाहिए। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चौपाल में भी चला रहे हैं, जहाँ की लगभग 2,000 बच्चे आज पढ़ रहे हैं हमारे गांव के बच्चे। फीस ज़रूर देते हैं लेकिन सब्सिडाइज फीस लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। वहाँ हमारा मजदूर भी है तो वो भी हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रहा है। तो इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, कृषि विकास के। फिर जो युवा वर्ग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग हमने दिया, कंप्यूटर का हुआ, सिलाई का हुआ, मोबाइल रिपेयरिंग का हुआ, इस तरह का ब्यूटिशियन का ऐसा ट्रेनिंग हमने दिया। लगभग 6,000 लोगों को हमने प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दिया है झारखंड में, जिसके कारण वो एक हुनर सीखे हैं, सीखने के बाद उनको एक अवसर मिला कहीं काम करने का। तो इस तरह हम लोग का जो ये एक समग्र विकास का काम है कि हम हर सेक्टर के लिए मदद करें, कोई एक सेक्टर हमारे या एक धर्म, एक तरह की जाति, कोई युवा या वृद्ध की बात नहीं, हम चाहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं सबों के लिए हम काम करें। मुझे तो काफ़ी संतोष है कि हमने जिनके लिए भी किया है उनको जरूर कुछ फ़ायदा हुआ है। हमको कोई एक माइक्रो फाइनेंस का जो काम कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि एक महिला मिली थी कोरा चौक पर, हम उसको जानते भी नहीं थे। उसने कहा कि हम तो आप ही से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए? तो नहीं, हम तो आपसे लिए थे, माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं हम, देखिए वहाँ से पैसा उनको मिला तो हम अपना दुकान बढ़ा दिए, हम अपनी लड़की की शादी कर दिए, हम अपना घर भी बना लिए। वो मैंने खुद कह रही थी, तो मुझे काफ़ी संतोष हुआ। बहुत सारे एनजीओज हैं जिसमें लोग आजकल के युवा जॉब कर रहे हैं और उनको आकर्षित करता है, कुछ हाईफाई पैकेज भी उनको वहाँ मिलता है, तो ये युवा तो समाज सेवा के ध्येय से तो आ नहीं रहे, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि देखिए जा सकता है तो हर को है, और जितना अपने अपने ज़िंदगी में विकास करना ज़रूरी है, अपना जो भी इनकम करना चाह रहे हैं, जितना भी बड़ा से बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समाज के लिए भी सोचने की ज़रूरत है, समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। उससे भी ज़्यादा है कि एक विचार से जुड़ना, माने आज का जो युवा वर्ग है वो एक भटकाव की ओर जा रहा है, मतलब उनको समाज क्या है, गरीबी क्या है, क्या करना चाहिए लोगों के लिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, इसके ओर मुखातिब ना हो करके जाति धर्म संप्रदाय इसके ओर ज़्यादा देख रहे हैं, एक गलत चीज़ें से मोटिवेटेड हो रहे हैं। उसमें कुछ मीडिया भी है जो इसमें शामिल है, जो गलत मोटिवेट कर रहा है युवाओं को। तो हम तो कहना चाहेंगे कि युवा को असलियत को समझने की ज़रूरत है और समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े, सामाजिक कुछ काम करें, अपनी जो भी अपना विकास करना है अपने ज़िंदगी में करना है वो करें, लेकिन साथ साथ समाज के प्रति उसकी दायित्व है और वो भी उसके ज़रूर कुछ सोचें। ये जो पूरा टेन्योर रहा है आपका NBJK का, उसको अगर आप एक बार पीछे घूम के देखते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि हमने अब तक जो किया, जो समाज को हम देना चाहें वो मिला, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब राजनीति में क्यों नहीं चले गए, तो हम यही कहते हैं कि राजनीति में तो कोई भी अगर जाएगा तो जिस तरह कुत्ता का पूंछ होती है ना, कुत्ता की पूंछ अगर आप सीधा करेंगे फिर वो उसी तरह हो जाएगी पूंछ। राजनीति वही चीज़ है। बहुत सारे लोग, विचारवान लोग, अपने को त्यागी कहने वाले, आंदोलनकारी कहने वाले राजनीति में गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही बदलाव नहीं दिख रहा है। अच्छा, राजनीति में, राजनीति और सरकार ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जिस इलाके में चाहे जितना भी किया हो,
बहुत बड़े देश जितना है, राज्य जितना बड़ा है, उस हिसाब से बहुत कम हमने किया है, लेकिन जिन इलाकों में हमने किया है उसमें बहुत विकास हुआ है और हमको उससे बहुत संतोष है कि हमने जो कुछ किया वो दिख रहा है, हमसे संतोष हासिल कर रहे हैं कि इतना हो रहा है। कुछ और सोच रखे हैं कि आने वाले समय में हजारीबाग के लिए कुछ करें NBJ के? हम तो देखिए अभी तीन सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। एक तो है कि लोगों को रोज़गार मिले कृषि विकास के क्षेत्र में और युवा वर्ग हैं उनके लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हजारीबाग में बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती है, मेरा ऐसा मानना है, और इसलिए यहाँ कुछ स्वास्थ्य के बारे में जरूर जनरल जो एजुकेशन है उसके बारे में, जनरल जो हेल्थ है उसके बारे में भी करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी करने की जरूरत है। तो हमारा सोच है कि इन क्षेत्रों में करें, अब मौका अगर मिलेगा ज़रूर हम करना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ गिरजा सतीश, इन्होंने हमारे बहुत से सवालों का जवाब दिया। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।